जय हिंद मेरे कक्षा 10 के प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा, जो कि हिंदी गद्य के प्रथम पाठ है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है, जिसका हम जीवन परिचय देखेंगे आज पहले लेक्चर में। किसी भी लेखक या कवि का जो जीवन परिचय होता है, उसे लिखने का सही तरीका होता है कि उसको कई चरणों में विभाजित कर दीजिए। आप पहले उनका जीवन परिचय बताइए, फिर रचनाएं बताइए, फिर साहित्यिक विशेषताएं बताइए, और फिर भाषा और शैली के आधार पर ये विशेषताएं बताइए। तो हम शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जैसा कि उनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने सिर्फ इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की थी। जो इनका साहित्यिक विशेषताएं हैं, समालोचन एवं निबंध लेखन को नवीन शैली प्रदान की इन्होंने। उनकी शैली कैसी थी? विवेचनात्मक थी, वर्णात्मक थी, भावात्मक थी, व्यंग विनोद प्रधान थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि आदि। ये तो हमने बात कर ली जो कोष्टक में बना है, ब्रैकेट में जो बना है, हमने उसकी बात कर ली। अब उनका जो जीवन परिचय है उसकी बात करेंगे डिटेल में। जिस प्रकार इनका जीवन परिचय दे रखा है, पूरा एक डिटेल में जीवन परिचय इनका दे रखा है, पर आपको उस तरह एग्जाम में नहीं लिखना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है। आपको कुछ ही मेन मेन लाइन लिख के आना है एग्जाम में। जैसे कि 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सादर के कानू नागू के पद पर हुई। पिता के साथ वे मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। यहीं पर इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ दिनों के लिए ये अपने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर, कुछ दिनों के लिए नागरी प्रचारी सभा पत्रिका का संपादन किया। तदनंतर अपनी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई, और वहीं 1937 ईस्वी में विभाग अध्यक्ष हो गए। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गई। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचनाएं देखेंगे, जिसमें कि उनका निबंध संग्रह में है चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार विधि। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास है। आलोचना में सूरदास रसमीमांसा त्रिवेणी है। संपादन में जयश्री ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है। भ्रमर गीत सार है, हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बनी अन्य। इसके अतिरिक्त कहानी 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं में हिंदी में अनुवाद भी किए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम साहित्यिक विशेषताएं देखेंगे। शुक्ल जी का साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षीय है। निबंध लेखन के रूप में वे मनोवैज्ञानिक एवं काव्य शास्त्रीय निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि मानव विकारों पर चिंतामणि के निबंधों में बड़ी ही गंभीरतापूर्वक विचार किया है। हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतवृत्तियों
की छानबीन करने का प्रयास किया है। अब हम आगे चलते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाषा और शैली देखेंगे। शुक्ल जी की भाषा अत्यंत ही चुस्त संस्कृत मिश्रित शुद्ध खड़ी बोली है। उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में यथासंभव बहुत कम ही किया गया है। भाषा बिल्कुल व्याकरण के नियमों से अभद्र है, मुहावरों का सर्वार्थ अभाव है। शुक्ल के अनुसार शैली में परिवर्तन होता रहता है। आलोचनात्मक निबंधों में उन्होंने विवेचनात्मक शैली का अपनाया है। साहित्यिक इतिहास लेखन में गवेषणात्मक शैली का अनुसरण किया है। गवेषणात्मक शैली अपेक्षाकृत दुरूह और गंभीर हो गई है। वाक्य कुछ लंबे हो गए हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों में भावात्मक शैली अपनाई गई है। इसमें वाक्य तो विवेचनात्मक शैली की भांति छोटे छोटे होते हैं, किंतु भाषा को प्रचलित व्यवहारिक रूप में से अपनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें हमने चैप्टर से जुड़े PDF शेयर कर दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।